आज हम आपके लिए अमृतसर के अंदर एक 100 स्क्वेयर यार्ड की 3 BHK की काफ़ी सुंदर नई बनी कोठी लेके आए हैं। इसकी लोकेशन न्यू अमृतसर है। आइए आपको कोठी का फ्रंट एलिवेशन दिखाते हैं। कोठी का फ्रंट 20 फुट है। प्रॉपर तरीके से मॉडर्न तरीके से पूरा इसका एलिवेशन बनाया गया है। बाहर आप देखिए काफ़ी अच्छी टाइल लगाई गई है। घर के चारों तरफ आप देखेंगे काफ़ी अच्छी ये सोसाइटी है, काफ़ी अच्छा नेबरहुड है। घर के बाहर ग्रीन बेल्ट दी गई है बनाने के लिए, काफ़ी अच्छी प्राइम लोकेशन के ऊपर ये प्रॉपर्टी है। घर के बाहर आप देखिए 9 फुट का गेट लगाया गया है। घर में एंटर करते ही सबसे पहले देखिए पार्किंग की स्पेस दी गई है। प्रॉपर डाउन सीलिंग का काम किया गया है। फ्लोर के ऊपर ग्रे कलर की टाइल लगाई गई है। एक वॉल के ऊपर आप देखिए ग्रीन कारपेट लगाया गया है, जिससे काफ़ी अच्छा ये दीवार लग रही है। बड़े आराम से इसके अंदर आप अपनी बड़ी कार पार्क कर सकते हैं। साइड में आप देखिए 4 फुट का सेटबैक एरिया दिया गया है। पानी की मोटर यहीं लगाई गई है। यहाँ पे सरकारी पानी आता है। यहाँ पे आप अपना 2 व्हीलर पार्क कर सकते हैं। घर के अंदर जितने भी चौखट दरवाजे लगाए गए हैं वो 8 फुट की हाइट के लगाए गए हैं और PU पॉलिश की गई है। काफ़ी सुंदर बड़े दरवाजे बनाए गए हैं। घर के अंदर एंटर करते सबसे पहले लॉबी की स्पेस है। लॉबी से ही स्टेयर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर के लिए जा रही है। प्रॉपर डाउन सीलिंग का काम किया गया है। काफ़ी अच्छी बड़ी लॉबी की स्पेस दी गई है। लॉबी के फ्लोर के ऊपर आप देखेंगे तो बड़े साइज की टाइल लगाई गई है, जिसका साइज 32 इंची बाय 64 इंची है। एक दीवार के ऊपर आप देखिए वॉलपेपर लगाया गया है। ये आपको ड्राइंग रूम की स्पेस दिखाते हैं। एंट्रेंस पे वुडवर्क का काम किया गया है। रोशनी वेंटिलेशन के लिए काफ़ी बड़ी विंडो दी गई है। प्रॉपर डाउन सीलिंग का काम किया गया है विद कंसील लाइट। पूरे घर के अंदर RR केबल का वायरिंग की गई है और काफ़ी अच्छे ब्रांडेड के स्विच प्लेट लगाए गए हैं। स्प्लिट AC की वायरिंग भी आपको करके दी जा रही है। काफ़ी अच्छी लॉबी की स्पेस है। यहाँ पे आप अपना डाइनिंग एरिया कम सिटिंग एरिया बना सकते हैं। स्टेयरकेस के नीचे की स्पेस को भी आप यूज़ कर सकते हैं। आइए आपको किचन एरिया की तरफ लेके चलते हैं। किचन की एंट्रेंस के ऊपर भी आप देखिए वुडवर्क का काम किया गया है। काफ़ी अच्छी L शेप की ये किचन बनाई गई है। रोशनी वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है और पूरा वुडवर्क का काम कंप्लीट किया गया है। डबल बोल का सिंक लगाया गया है, साउंड प्रूफ। दीवार के ऊपर आप देखेंगे वाइट सतवारियों टाइल लगाई गई है। यह पूरी मॉडलर किचन इनोटेक फिटिंग के साथ बनाई गई है। वारंटी के अंदर पूरी किचन है। आप देखिए फ्रिज के लिए अलग से स्पेस दी गई है। काफ़ी अच्छी बड़ी स्पेस ये किचन बनाई गई है। आइए अब आपको बेडरूम दिखाते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर का मास्टर बेडरूम है। फ्लोर के ऊपर आप देखिए वुडन पैटर्न की फ्लोर टाइल लगाई गई है। सामने आप देखिए एक नीश क्रिएट की गई है और उसके अंदर टाइल वर्क किया गया है। काफ़ी सुंदर डाउन सीलिंग है विद कंसील लाइट। इस बेडरूम का साइज तकरीबन 15 फुट बाय 15 फुट का है। रोशनी वेंटिलेशन के लिए इसके अंदर डक्ट दी गई है और एक अटैच बाथरूम दिया गया है। कमरे के अंदर आप देखेंगे तो सामने की तरफ स्लाइडिंग वार्डरोब बनाई गई है, TV पैनल बनाया गया है और एक स्टडी टेबल बनाया गया है। काफ़ी अच्छे कलर का वुडवर्क किया गया है। काफ़ी बड़ा स्पेशियस ये बेडरूम है। बड़े आराम से आप यहाँ पर डबल बेड विद साइड टेबल और अपनी सिटिंग एरिया यहाँ लगा सकते हैं। आइए आपको इस कमरे का जो USP है वो दिखाते हैं। डक्ट एरिया को ग्लास डोर से कवर किया गया है। वॉल के ऊपर आप देखिए ग्रीन कारपेट लगाया गया है। काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है इससे। इसके अंदर आप अपने डेकोरेटिव पीस लगा सकते हैं, आप फाउंटेन लगा सकते हैं, फिश एक्वेरियम लगा सकते हैं। इसी के साथ अटैच बाथरूम दिया गया है। काफ़ी अच्छा बड़ा ये बाथरूम है। बाथरूम का साइज़ तकरीबन 5 फुट बाय 10 फुट का है। बेज और डार्क ब्राउन कलर की वॉल टाइल लगाई गई है। काफ़ी सुंदर ये वॉल टाइल है। बाथरूम के अंदर आपको जैगवार और सेरा कंपनी की पूरी बाथरूम की फिटिंग इंस्टॉल करके दी जाएगी। रोशनी वेंटिलेशन के लिए रोशनदान दिया गया है। काफ़ी अच्छा बड़ा ये मास्टर बेडरूम विद अटैच बाथरूम है। 100 गज के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से इस कोठी का लेआउट तैयार किया गया है। ग्राउंड फ्लोर पर जैसे आपने देखा ड्राइंग रूम, लॉबी एरिया, किचन और एक मास्टर बेडरूम, अटैच बाथरूम और डक्ट एरिया है। स्टेयरकेस पे आप देखिए पूरा वुडवर्क की रेलिंग लगाई गई है विद ग्लास। स्टेयरकेस के ऊपर ग्रेनाइट मार्बल लगाया गया है। आप नीचे का व्यू देखिए, काफ़ी स्पेशियस ये पूरी कोठी बनाई गई है। हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अनलॉक सुपर प्रॉपर्टी बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए।
इसी तरह की अच्छी इन्फॉर्मेशन हम लोग आपके लिए लेके आते रहते हैं, और शहर के अंदर इसी तरह की हिडन प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। स्टेयरकेस के ऊपर आप देखिए वुडन रेलिंग लगाई गई है विद पीयू पॉलिश, इससे काफ़ी अच्छी फीलिंग आती है। आप ये फर्स्ट फ्लोर का लॉबी एरिया देखिए, काफ़ी स्पेशियस है। इसके अंदर भी आप देखेंगे तो किचन के पूरे प्रोविज़न प्लम्बिंग के किए गए हैं। इन फ्यूचर आप इसको किचन एरिया बनाना चाहते तो वो भी पॉसिबल है। और यहीं से स्टेयरकेस ऊपर टॉप टेरेस की तरफ जा रही है, काफ़ी बड़ी ये लॉबी की स्पेस है। आइए अब आपको फर्स्ट फ्लोर का मास्टर बेडरूम दिखाते हैं। इस बेडरूम का साइज़ भी तकरीबन 15 फुट बाय 15 फुट का है। सामने वॉल के ऊपर देखिए नीच क्रिएट की गई और टाइल वर्क किया गया है। यहाँ पे आप अपना डबल बेड विद साइड टेबल लगा सकते हैं। इसके अपोजिट आप अपनी स्लाइडिंग वार्डरोब बना सकते हैं। प्रॉपर डाउन सीलिंग का काम किया गया विद कंसील लाइट। कमरे के अंदर स्प्लिट एसी की वायरिंग आपको करके दी जा रही है। फ्लोर के ऊपर आप देखिए बेज कलर की विट्रीफाइड टाइल लगाई गई है। काफ़ी अच्छा बड़ा स्पेशियस बेडरूम है। इस बेडरूम के साथ भी डक्ट एरिया दिया गया है विद ग्लास दरवाजे के साथ कवर किया गया है। प्रॉपर वॉल के ऊपर आप देखिए ग्रीन कारपेट लगाया गया है, इससे कमरे के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन रहता है। इसको आप अपने तरीके से और डेकोरेट कर सकते हैं। इसके साथ भी अटैच एक बड़ा बाथरूम दिया गया है। बाथरूम के अंदर आप देखिए ग्रे कलर की काफ़ी सुंदर मार्बल फिनिश की टाइल लगाई गई है। काफ़ी बड़ा यह बाथरूम है। प्रॉपर इसके अंदर भी आपको पूरी जैगवार और सेरा कंपनी की फिटिंग इंस्टॉल करके दी जाएगी। रोशनी वेंटिलेशन के लिए रोशनदान दिया गया है। हमारी कोशिश यही होती है कि हम अपने क्लाइंट को अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट दिखाएं, ताकि वो अगर घर परचेज करना चाहते हैं तो उनको अच्छी चॉइस मिले। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह की कोठियाँ देखने के लिए आप हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे दिए नंबर पर आप कॉल कीजिए। आपको फ्रंट का बेडरूम दिखाते हैं। इस बेडरूम का साइज़ 10 फुट बाय 15 फुट का है। प्रॉपर डाउन सीलिंग की गई है विद कंसील लाइट। सामने की तरफ बालकनी का रास्ता जाता है। काफ़ी बड़ी रोशनी वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है। पूरे घर के अंदर लाइट ग्रे कलर का पेंट किया गया है, जिससे ये घर काफ़ी स्पेशियस और सुंदर लग रहा है। इस कमरे के साथ अटैच बालकनी की स्पेस दी गई है, और इस कमरे के अंदर एक स्टोरेज के लिए अलमीरा भी बना के दी जा रही है, और इसी के साथ अटैच बाथरूम है। इस कमरे की एंट्रेंस के ऊपर स्लाइडिंग डोर लगाया गया है, जिससे स्पेस काफ़ी सेव होती है। आइए आपको ये वार्डरोब एरिया दिखाते हैं। आप देखिए 3 फुट बाय 10 फुट की फुल लाइट की वार्डरोब स्पेस बनाई गई है। काफ़ी अच्छी स्टोरेज है। इसी के साथ देखिए अटैच बाथरूम दिया गया है। रोशनी वेंटिलेशन के लिए देखिए स्लिम कलर की विंडो लगाई गई है। प्रॉपर वॉल और फ्लोर टाइल लगाई गई है। पूरी बाथरूम की फिटिंग आपको इंस्टॉल करके दी जाएगी जैगवार कंपनी की, जिसकी काफ़ी अच्छी वारंटी रहती है। इस घर के अंदर जितने भी ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ किए गए हैं, उन सब के ब्रांडेड की बिलिंग आपको दे दी जाएगी, ताकि वारंटी आप मेंटेन कर पाएँ। फ्रंट की आप बालकनी देखिए, बाहर ग्लास की रेलिंग लगाई गई है। वॉल के ऊपर ग्रीन कारपेट लगाया गया है। बाहर का व्यू देखिए, काफ़ी अच्छा व्यू है। ये कोठी नॉर्थ फेस की कोठी है और काफ़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर है। वास्तु के अकॉर्डिंग भी ये बेस्ट फेस माना जाता है घर के लिए। अगर आपकी छोटी फैमिली है और आप इस तरह का कोई घर ढूंढ रहे हैं, तो आप हमारे से कांटेक्ट कीजिए। काफ़ी अच्छी प्राइम लोकेशन न्यू अमृतसर के अंदर ये 3 BHK 100 square yard की कोठी काफ़ी अच्छे दामों के अंदर आपको मिल जाएगी। फर्स्ट फ्लोर पर लॉबी स्पेस प्लस 2 बेडरूम अटैच बाथरूम दिए गए हैं। स्टेयरकेस के ऊपर आप देखिए वुडन रेलिंग लगाई गई है। काफ़ी अच्छी ये फिनिशिंग के साथ पूरे घर को तैयार किया गया है। घर के अंदर अगर डिटेलिंग से वर्क किया हो तो आपको इंटीरियर कराने के अंदर काफ़ी इजी हो जाता है। ममटी एरिया देखिए, इसके अंदर भी रोशनी वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है। छत के ऊपर आप देखिए स्काईलाइट बनाए गए हैं, जिससे दिन के टाइम में भी डे लाइट आपको नीचे मिलती है। ममटी के अंदर स्टोरेज के लिए काफ़ी अच्छी स्पेस दी गई है। प्रॉपर वुड रेलिंग के साथ सेफ्टी के लिए इसको कवर किया गया है। टीवे स्टील का गेट लगाया गया है। टेरेस एरिया को देखिए आप, प्रॉपर वाटरप्रूफिंग करके टाइल लगाई गई है। डक्ट एरिया को प्रॉपर फैबर शीट से कवर किया गया है। ममटी के ऊपर ही वाटर टैंक लगाया गया है। 100 square yard की 3 BHK की ये कोठी न्यू अमृतसर के अंदर लोकेटेड है। नॉर्थ फेस की कोठी है और इसकी कीमत सिर्फ 65 लाख रुपये है। काफ़ी अच्छी ऑप्शन के अंदर और काफ़ी अच्छे रेटों के अंदर ये आपको कोठी मिल रही है। अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हैं तो हमारे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। अमृतसर के अंदर अगर आप कोई कोठी
सेल परचेज़ कर रहे हैं, तो आपको अगर हमारी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमारे से कॉन्टैक्ट कीजिए, हम लोग आपकी पूरी मदद करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।